एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। इंडियन नेवी अग्निवीर एग्जामिनेशन 2023 की जो कट ऑफ होगी वो क्या हो सकती है SSR एग्जाम के लिए, इस वीडियो में उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम हुए हैं उसमें जो कट ऑफ गई है क्या गई है, दो बैचेस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुए थे दो बैचेस के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि सभी स्टेट्स की कट ऑफ क्या गई थी प्रीवियस टाइम में, और जो यूटीज होती हैं यानी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनकी कट ऑफ क्या गई थी। तो जितना डाटा मेरे पास है वो सारा कुछ आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, उसके अकॉर्डिंग इस बार क्या हो सकती है कट ऑफ उसके ऊपर भी बात करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लेना, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और इंडियन नेवी स्पेशल ग्रुप का, उसे जाकर भी जरूर ज्वाइन कर लेना। स्टार्ट करते हैं। एक और बात, AMR के लिए अगर आप कट ऑफ देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, उसे भी आप जाकर के देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, या फिर वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारा फर्स्ट बैच है, जो कि 2020 बैच है, उसकी कट ऑफ के बारे में। 2020 बैच लास्ट वो बैच थी जिसके लिए ऑनलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद ये वाली बैच जो आई है जो कि अग्निपथ एंट्री में आई उसमें ही ऑनलाइन मोड में किया गया। उसके पहले ऑफलाइन मोड में ही सारी वैकेंसीज दी इंडियन नेवी ने बिकॉज ऑफ COVID-19। चलिए अब बात करते हैं स्टेट वाइज यूटी वाइज क्या थी कट ऑफ। सबसे पहले आसाम की बात कर लेते हैं। आसाम की जो कट ऑफ गई थी ना वो 17 मार्क्स गई थी, 17 नंबर यहां की कट ऑफ गई थी। वहीं पर बात करें अगर बिहार की, बिहार की जो कट ऑफ थी वो गई थी अपनी 40.25 मार्क्स। तो आसाम और बिहार में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो जाता है थोड़ी ही देर में। गुजरात की बात करें अगर तो 20 नंबर गई थी कट ऑफ। हरियाणा की बात करें 57.25 गई थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 36, झारखंड की बात करें 31.25, केरला की बात करें 25.50 और मध्य प्रदेश की बात करें 26.75। ये हो गई बात। अब इनकी बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइंड कराना चाहूंगा SSR के एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो SSR का एग्जाम 1 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के, इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है जब भी ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होती है। तो ठीक है, हर एक सही आंसर के लिए एक नंबर दिया जाता है और ये सेक्शन वाइज होती है। 4 सेक्शन होते हैं, एक तो आपका साइंस का सेक्शन, दूसरा हो जाता है जो मैथमेटिक्स होती है, टेक्निकल मैथ्स होती है उसका सेक्शन, तीसरा इंग्लिश का और चौथा जनरल अवेयरनेस का। और सभी सेक्शन में क्लियर करना आपका जरूरी है, एज वेल एज आपकी कट ऑफ को भी क्लियर करना है। ठीक है, इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, 26.75 जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, महाराष्ट्र 25.25, ओडिशा 30.75, राजस्थान 34.25, त्रिपुरा 16 मार्क्स, उत्तर प्रदेश 42.50 मार्क्स, उत्तराखंड 39 मार्क्स और वेस्ट बंगाल जो है 24.25 मार्क्स। ये थी 2020 की कट ऑफ जिस टाइम पे कोविड भी आ चुकी थी। ये फरवरी में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। तो ये बात हो गई फर्स्ट बैच की। एक और बैच मेरे पास है जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर ही बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग कि किस तरीके से होने वाला है। अब वहां ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो बैच हुई थी ना 8/2019 को 2/2020 बनाया गया था और ये वाली बैच बन गई थी 8/2020। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिए, जम्मू कश्मीर की कट ऑफ की बात करें 35.75, हिमाचल प्रदेश की बात करें 37.75, उसके बाद उत्तराखंड 44 मार्क्स, दिल्ली 37 मार्क्स, हरियाणा 56 मार्क्स, बिहार 45.50, वेस्ट बंगाल 34, झारखंड 38.5, उत्तर प्रदेश 45.50, मध्य प्रदेश 30.75, आसाम 20, राजस्थान 35.25, उसके बाद गुजरात 25, महाराष्ट्र 34.40, केरला 41 मार्क्स, कर्नाटका 17.5 और पंजाब 19 मार्क्स। तो कुछ इस तरीके से इस टाइम की कट ऑफ गई थी, जो कि गई थी किसके लिए, किस एग्जामिनेशन के लिए, इंडियन नेवी SSR एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर हम पूरी तरीके से बात करें तो कट ऑफ जो है वो सभी स्टेट्स की, सभी यूटीज की इनफैक्ट लगभग 40-55 के बीच में ये चलती है, इसी तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है डाटा।
ठीक है। बात करें लोवेस्ट की तो 25 तक भी आ जाता है डाटा, जो कि इस बार थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। अब फाइनल एनालिसिस जो है हमारा कि इस बार की कट ऑफ में क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, एसएसआर की कट ऑफ कितनी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हायर कट ऑफ वाले राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और उसके बाद कुछ और राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, तो ये जो राज्य हैं यहां पर जो कट ऑफ है थोड़ी सी ऊपर जाएगी। और यहां पर अगर आपने 45 टू 50 के बीच में स्कोर कर रखा है, कितना 45 टू 50 के बीच में, तो आप ऑलमोस्ट क्लियर कर जाओगे। हरियाणा 55 तक जा सकता है, तो इतना अगर आप कर लेते हो तो आप आराम से यहां पर क्लियर कर लोगे जहां तक चांसेस हैं, ठीक है। बाकी जो राज्य हैं वहां पर इससे नीचे ही कट ऑफ रहेगी मुझे जहां तक उम्मीद है, बिकॉज कट ऑफ पूरी तरीके से डिपेंड करती है कि आपके स्टेट से कितने लोगों ने अप्लाई करा और उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया और उनका जो पेपर का लेवल था, साथ ही साथ उनका जो लेवल था वो क्या था, तो इन सब बातों पर निर्भर करती है। तो ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इन सब राज्यों से। बात करें वहीं पर अगर पंजाब की तो कट ऑफ कम जाती है, बात करें अगर हम गुजरात की, महाराष्ट्र की, तो वहां पर कट ऑफ कम जाती है। ये लाजिमी सी बात है क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं और कम लोग एग्जाम देने भी जाते हैं, तो इस तरीके से हो सकता है। तो बात करें अगर सभी राज्यों की, अराउंड आपने 40-55 के बीच में स्कोर करा है तो आप एकदम रिलैक्स रहो, आप आराम से क्लियर कर लोगे इस एग्जामिनेशन को। जब रिजल्ट रिलीज किया जाएगा देख लेना, आपका नाम जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लें कि कट ऑफ लो जाएगी तो किस वजह से जा सकती है। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन लेवल थी वो टफ थी तो इस वजह से थोड़ी कट ऑफ कम जा सकती है, और हाई जा सकती है तो किस वजह से जा सकती है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हाई जाएगी तो सिर्फ इस वजह से कि 1400 वैकेंसीज हैं जहां पर 3000 वैकेंसीज होती थी और फॉर्म उतने ही लोगों ने, इनफैक्ट उससे ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है। और इस बार गर्ल्स भी आ गई हैं तो उनकी भी कुछ वैकेंसीज हो गई हैं इसमें से ही, बॉयज की भी है, तो ये सब चीजें हैं जिस वजह से, कंपटीशन की वजह से कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है। दोनों चीजें मैंने बता दी। बात कर ले रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट कभी भी रिलीज किया जा सकता है, रिजल्ट के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो जल्दी ही मैं लेकर आने वाला हूं। फिलहाल इस वीडियो में यही सारी डिटेल्स क्लियर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, उसके बाद ऑल का बटन होगा उसे सेलेक्ट कर लो ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपके स्क्रीन पर यूजर आईडी है, जाकर टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।